हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कलाम को सलाम। फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने जब ये हमने वीडियो स्टार्ट की थी, जब हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, तो हमारा जो मेन मोटो था हमने आप लोगों को बताया था, क्लास 10 और क्लास 12 को हमने पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने चैनल हमने बनाया था। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास 10 के साथ साथ हम क्लास 12 के लेक्चर को भी अपलोड करेंगे। तो आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो यूपी बोर्ड के एग्जाम है वो फरवरी से स्टार्ट है। तो अब हमारे पास लगभग एक महीना से 5-10 दिन ऊपर रह गया है, तो हमने क्लास 12 के लेक्चर को डालना भी आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इंग्लिश में जो हमारा पेपर फर्स्ट है, क्योंकि आप सभी को पता है जो 12th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। हम पहले पेपर फर्स्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पेपर फर्स्ट में आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच को। देखिए स्टूडेंट्स, जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपकी कम से कम अधिक से अधिक 4 मार्क्स और कम से कम 2 या 3 मार्क्स तक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन। तो इसलिए हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिगर ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद कोई और टॉपिक करेंगे, इसके बाद कोई और टॉपिक, यानी कि जो पूरा 50 मार्क्स का आपका टॉपिक होगा उसको हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, राइट। तो बिना समय को बर्बाद करते आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फिगर ऑफ स्पीच आपको होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, अलंकार। आपने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा है अलंकार के विषय में, मैं हिंदी पर नहीं जाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों के लिए ट्रिक्स है कि ट्रिक्स फॉर लर्निंग फिगर ऑफ स्पीच। आप फिगर ऑफ स्पीच को, क्योंकि जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फिगर ऑफ स्पीच है उनको याद रखने में आपको आसानी रहे, तो इसके लिए हमने ये शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, SHAMPOO। देखो एस का मतलब आपको पता है सिमिल होता है, एच फॉर हाइपरबोल होता है, ए फॉर एपोस्ट्रोफी होता है, एम फॉर मेटाफोर होता है, पी फॉर पर्सोनिफिकेशन होता है, ओ फॉर ऑक्सीमोरन होता है, और जो दूसरा ओ है उसका मतलब होता है ओनोमेटोपोया। देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट वाला ओ है इसकी प्रोनाउंसिएशन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ओनो MATO मोटो POEI। इसको बड़ा गलती करते हैं बोलने में, इसको ओनोमेटोपोया ही बोलते हैं, पुईया, ओनोमेटोपोया, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के तीन फिगर ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, सिमिल को, हाइपरबोल को, एपोस्ट्रोफी को। चलिए सबसे पहले मैं आपको सिमिल का मतलब बताता हूँ। सिमिल को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, राइट। अब देखिए उपमा अलंकार में क्या होता है, इन अ सिमिल, इस अलंकार में या फिर उपमा में वी कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना, हम तुलना करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट अलग अलग काइंड्स प्रकार ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग तरह की अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की हम तुलना करते हैं, स्पेशली, स्पेशली का मतलब विशेष रूप से, वी यूज, हम यूज करते हैं, हम उपयोग करते हैं, लाइक सो एज इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। देखो इन चीजों को मैंने अंडरलाइन किया, आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। सिमिल में क्या होता है कि जब आप इस अलंकार को, इस फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ोगे तो आपको लाइक सो और एज ये वर्ड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है बहुत ही इजी है, आप इजिली इसको पकड़ सकते हो, इजिली क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आपको लाइक सो और एज मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आप जब सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको उसका अर्थ निकाल कर भी देख लें तो आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिमिल अलंकार है, सिमिल फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं की तुलना करते हैं। एक बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो आपकी चीजें होंगी वो अलग अलग होंगी, एक जैसी चीजों की आप तुलना कैसे कर पाओगे, तो आपको तुलना करने के लिए भी दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इन अ सिमिल, उपमा अलंकार में वी कंपेयर, हम तुलना करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो विभिन्न प्रकार की ऑब्जेक्ट्स की वस्तुओं की तुलना करते हैं, स्पेशली विशेष रूप से, वी यूज, हम उपयोग करते हैं, लाइक का यूज करते हैं, सो का यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में हम लाइक सो और एज नामक शब्दों का प्रयोग करते हैं, राइट। देखिए इसके एग्जाम्पल, देखिए आप पहला एग्जाम्पल है शी लुक्स लाइक मून। देखो अंडरलाइन भी किया है लाइक, पहले तो आप देखकर ही बता दोगे कि यहाँ पर सिमिल फिगर ऑफ स्पीच है। अब देखो हम इसका अर्थ भी यदि हम निकालते हैं, शी लुक्स, वह दिखाई देती है, लाइक मून, चांद की तरह। देखो यहाँ पर शी की तुलना, शी कोई लड़की है, और मून, देखो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, एक तो शी है, शी अलग है, और मून आपको पता है चांद, यानी कि दो अलग अलग वस्तु की हमने तुलना की, और तुलना कैसे बना दिया कि वो कैसी दिखाई देती है, वो चांद की तरह दिखाई देती है, और यहाँ पर लाइक भी लगा हुआ है, इसलिए इस लाइन में, इस एग्जाम्पल में आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, इसमें होगा सिमिल, राइट। नेक्स्ट को देखिए, ही रन्स, वह भागता है, वह दौड़ता है, लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह दौड़ता है। देखिए यहाँ पर ही की तुलना हॉर्स से की गई है, तो दो डिफरेंट काइंड से, इसलिए यहाँ पर भी सिमिल है। नेक्स्ट, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। अच्छा ड्यू का मतलब आप लोगों को शायद पता हो, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ड्यू ओस को बोलते हैं,
वह इतना तरोताजा है, शी के लिए किसी लड़की के लिए बात हो रही है कि वह इतना इतनी ताजगी वाली है, इतनी तरोताजा है जितनी कि ओस, राइट। यहाँ पर देखिए एज आया हुआ है, तो एज भी हमने ऊपर पढ़ा है कि लाइक आए, एज आई या फिर सो आए, तो सिमिल फिगर ऑफ स्पीच होगी। नेक्स्ट, द गर्ल्स आईज, लड़की की आंखें आर एज ब्लैक, इतनी काली है एज कोल, कोल यानी कि कोयला, यानी कि लड़की की आंखें कोयले की तरह काली है। देखो यहाँ पर लड़की आंखों की तुलना कोयले से करती है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, सिमिल फिगर ऑफ स्पीच, राइट। नेक्स्ट, शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग। देखो इसको हम तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, शी हैंग्स, यहाँ पर हैंग्स का मतलब लटकना होता है, लाइक अ स्टार, स्टार आपको पता है तारे को बोलते हैं, वह एक तारे की तरह लटकती है इन द ड्यू ओस में, ऑफ अवर सॉन्ग, हमारे संगीत में, यानी कि पूरी लाइन का मतलब क्या होता है, वह हमारे जो हमारा संगीत है उसमें जो ओस है उसमें वो एक सितारे की तरह लटकती है। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ उसका मतलब, शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, आप पीछे से पढ़कर अर्थ निकाल सकते हैं, इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, हमारे गीत के ओस में वह तारे की तरह लटकती है, राइट। यहाँ पर देखो स्टार, यहाँ पर शी की तुलना किससे कर दी है, ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग, हमारे संगीत की ओस में, राइट। नेक्स्ट, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, देखो आई डबल एन ओ सी ई एन टी, इनोसेंट का मतलब मासूम, यानी कि वह इसमें क्या बताया जा रहा है, लुक लाइक, देखो किसकी तरह, मासूम कूल की तरह देखिए, राइट। नेक्स्ट है, शी इज लवली लाइक अ रोज, शी इज लवली, वह इतनी प्यारी है जितनी का जितना की एक गुलाब का फूल, शी इज लवली लाइक अ रोज। नेक्स्ट, ही इज एज फर्म एज अ रोक, यहाँ पर वर्ड आया आप लोगों के लिए फर्म, एफ आई आर एम, फर्म का मतलब होता है दृढ़, मजबूत, जो बिल्कुल इंसान सख्त रहता है, अपनी अपनी बातों पर अड़िग रहता है, उसको आप फर्म बोल सकते हो। अब देखिए ही इज एज फर्म है, इतना मजबूत है, एज ए रोक, रोक पहाड़ को बोलते हैं, पर्वत को बोलते हैं, वह पहाड़ की तरह मजबूत है, राइट। नेक्स्ट, आई वंडर्ड, मैंने आश्चर्यचकित किया, लोनली, लोनली अकेले को बोलते हैं, एज ए क्लाउड, एज ए क्लाउड यानी कि बादल की तरह। नेक्स्ट देखिए, लिव लाइक अ हर्मिट, लिव का मतलब जियो, लाइक अ हर्मिट, हर्मिट बोलते हैं सन्यासी या संत, यानी कि सन्यासी की तरह जियो। तो देखिए हमने सिमिल के बारे में पढ़ा, बहुत ही इजी है, सब में मैंने अंडरलाइन करके आप लोगों को दिखाया कि लाइक है, कहीं पर एज आ रहा है, कहीं पर सो आ रहा है, तो आप इजिली इसको पकड़ सकते हो, जब आपको एग्जाम में या आपको सिमिल से संबंधित कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, आपको आपको डेफिनेशन लिखने के लिए भी आ सकती है, या फिर आपको एग्जाम्पल दिया जा सकता है, आपको बताना होगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आई होप आपको सिमिल के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल गई होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको बोलते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में, वैसे तो हिंदी अर्थ निकलता है अतिशयोक्ति। अब अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, देखो दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच, ये जो आपका अलंकार है, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, यूजेस, यूजेस यानी कि प्रयोग की जाती है, उपयोग की जाती है, कब की जाती है, एन एक्स्ट्रा वेगेंट, देखो एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब है जरूरत से ज्यादा, या आप अत्यधिक कह सकते हो, स्टेटमेंट आपको एक तरह की बात होती है, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग, बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, इमोशनल यानी कि भावना, रिस्पॉन्स जिसके में उत्तर मिल जाए। तो पूरी लाइन का अगर एक साधारण से शब्दों में आपको अर्थ बताओ कि हाइपरबोल जो अलंकार होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं और बड़ी चीज को बहुत छोटा बना देते हैं, तो यही इस इन लाइनों का भी अर्थ होता है। तभी तो लिखा है पर एक्स्ट्रा वैगेंट स्टेटमेंट, बहुत जरूरत से ज्यादा यानी कि अत्यधिक आप बढ़ा चढ़ाकर बात को बोलते हो, राइट। अब देखिए इसके एग्जांपल को आप देखिए, शी वेप्ट, वह रोई ओशंस ऑफ टीयर्स, यानी कि किस तरह रोई कि उसके जो आंसू है बिल्कुल महासागरों की तरह, सागर की तरह बह गए। अब आप एक बार बताइए, कोई शी है, कोई इतना कैसे रो सकती है कि महासागर की तरह उसके आंसू निकल के आएंगे, यानी कि शी के जो आंसू है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, इसलिए यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोला गया, यानी कि एक्स्ट्रा वेगेंट स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा, हाइपरबोल, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड, ब्लड खून को बोलते हैं, यानी कि खून की नदियां विल फ्लो, फ्लो बहेगी इन द बैटल फील्ड, युद्ध में। तो क्या बोला जा रहा है कि युद्ध में खून की नदियां बहेगी। अब आप इसको खुद पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि खून की नदियां कैसे बह सकती है बैटल फील्ड में, तो इसलिए यहां पर भी आपका हाइपरबोल है। नेक्स्ट देखिए, हिज हार्ट, उसका दिल जंप कूदा माइल्स हाई। अब देखो माइल्स क्या होती है, माइल आप मील आपने सुना होगा, मील का सुना होगा, जैसे आप दूरियों को नापते, एक मील, दो मील, मील बहुत लंबी यात्रा को बोलते हैं। तो उसका हर्ट, उसका दिल इतनी मील, इतनी ऊंचाई पर कैसे कूद सकता है, यानी कि उसने इसको बढ़ा चढ़ाकर बोला है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, हाइपरबोल। नेक्स्ट देखिए, व्हाई मैन, क्यों व्यक्ति, इफ द रिवर वर ड्राई,
इफ द रिवर वर ड्राई ड्राई यानी कि सूखना, यदि नदी सूख जाए, यदि नदी सूख जाती है, आई एम एबल मैं योग्य हूँ टू फिल इट विद टीयर्स, मैं इसे आंसुओं से भरने में योग्य हूँ। अब आप देखिए अगर कोई नदी सूख जाएगी तो कोई इंसान अपने आंसुओं से कैसे भर सकता है उसको। यहाँ पर भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, इसलिए इस केस में भी यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, हाइपरबोल, राइट। देखिए नेक्स्ट, 10,000 सा यानी कि 10,000, आई एट अ ग्लांस, यहाँ पर वर्ड आया GLANCE, ग्लांस का मतलब होता है नजर, झलक, यानी कि एक नजरिया, यानी कि क्या बताया जा रहा है कि मैंने उसको एक झलक में ही 10,000 बार देख लिया, ये तो कोई बात नहीं हुई, यानी कि इसमें भी आपकी एक्स्ट्रा वैगेंट स्टेटमेंट है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी आपका हाइपरबोल है, राइट। लेकिन नेक्स्ट एग्जाम्पल द बिल्ड, देखो यहाँ पर दे है, दे बिल्ड द नेशन, नेशन स्पीलर्स डीप, दे बिल्ड उन्होंने बनाया या भी निर्माण करते द नेशन, नेशन राष्ट्र के स्तंभ को, डीप बहुत गहरा, यानी कि यहाँ पर राष्ट्र की तुलना किससे क्या बताया गया कि नेशन के जो राष्ट्र के जो पिलर है, जो स्तंभ है, उनको बहुत गहराई तक बनाया गया है, राइट। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर भी आपका हाइपरबोल ही है। नेक्स्ट देखिए, देवर स्विफ्टर देन ईगल्स, देवर स्विफ्टर, स्विफ्टर क्या होता है, तेज को बोलते हैं, देन ईगल्स, ईगल्स बाज को बोलते हैं, यानी कि वे बाज से भी ज्यादा तेज है। तो यहाँ पर देखिए तुम, यहाँ पर देखो आप इतनी तुलना कर दी गई कि ईगल से आप बाज से तुलना करो, तो दैट्स वाई यहाँ पर भी आपका हाइपरबोल होगा। नेक्स्ट देखिए, द मून वेल्ड हर फेस, देखो यहाँ पर एक वर्ड आया VEILED, वेल्ड बोलते हैं घूंघट को, पर्दे को, जो इंसान मुंह पर पर्दा रखते हैं उसका वेल्ड कह सकते हो, यानी कि उसके चेहरे पर चांद छिपा हुआ है। इसका मतलब क्या, उसके चेहरे पर चांद छिपा हुआ, अब आप इजिली आपको बता सकते चेहरे पर चांद कैसे आ जाएगा, तो ये पर भी बड़ा, ये भी बड़ा चढ़ाकर कही गई बात है, इसलिए यहाँ पर भी हाइपरबोल है। नेक्स्ट देखिए, ही इज ओल्डर देन द हिल्स, ही इज ओल्डर, ओल्डर बड़े को बोलते हैं, वह बड़ा है देन द हिल्स, हिल्स क्या होती है पहाड़ी, वह पहाड़ियों से भी ज्यादा बड़ा है। अब देखिए इतना कोई इंसान इतना कैसे बड़ा हो सकता है कि वह पहाड़ियों से भी ज्यादा बड़ा हो गया, यानी कि इसमें भी आपने अत्यधिक बता दिया, कोई छोटी चीज को बहुत बड़ा बना दिया, दैट्स वाई यहाँ पर भी आपका हाइपरबोल होगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज एज स्किनी, स्किनी बोलते हैं पतले लोगों को, जो बहुत पतले होते हैं, वह इतना पतला है, एज ए ड्राइड स्ट्रो, ड्राइड क्या होता है सूखा हुआ, और स्ट्रो होता है तिनका। अब देखिए यहाँ पर हमने एक पतले व्यक्ति को इतना छोटा, इतना मतलब इतना बारीक बना दिया कि एक सूखे तिनके की तरह, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जरूरत से ज्यादा छोटा कर दिया। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि छोटी चीज को बड़ा बनाया गया, यानी कि बड़े को भी छोटा बनाया गया, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा वैगेंट का यूज किया। तो आप फिर से एक बार बताता हूँ, ही इज एज स्किनी एज ए ड्राइड स्ट्रो, वह इतना पतला है जितना कि एक सूखा हुआ तिनका। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा हाइपर फिगर ऑफ स्पीच होगा, हाइपरबोल। ओके गाइस, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है, जो आज की जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच भी है वो है एपोस्ट्रोफी। देखिए APOS, APOSTROPHE, ट्रॉफी, एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधन। आपने जब आप इंग्लिश पढ़ते हो आपको आपने देखा होगा कोमा लगा के एस लगता है, वो एपोस्ट्रोफी एस ही होता है, यानी कि जब हम किसी को संबोधन देते हैं तब हम उस कोमे का एस का यूज करते हैं। अब देखिए संबोधन में नाम से स्पष्ट कि एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, आप किसी ना किसी चीज का संबोधित करोगे, बुलाओगे। अब देखो वो चीजें कौन कौन सी होती है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में भी डायरेक्टली हम प्रत्यक्ष रूप से हम सीधे तौर पर एड्रेस, एड्रेस का मतलब संबोधित करते। देखो एक एड्रेस आपका पता भी होता है और एक एड्रेस होता है संबोधित करना। इसमें बिल्कुल सीधे तौर पर संबोधित करते किसको, टू डेड, मरे हुए को, अब्सेंट, जो अनुपस्थित हो, और परसोनिफाइड ऑब्जेक्ट, परसोनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी कि मानवीकृत पदार्थ, मानवीकृत आप दूसरे शब्दों में कहते हो मानव, यानी कि मानव को भी आप, इंसानों को भी आप कुछ ना कुछ कहकर आप इसमें संबोधित करते हो। और एक बात और है इस फिगर ऑफ स्पीच में भी, आप जब देखोगे इसको पढ़ोगे तो इजिली आपको कुछ चीजें दिखाई देंगे, कुछ वर्ड दिखाई देंगे, कुछ सिंबल्स दिखाई देंगे, जिसको आपको अगर आपको पूरी लाइन का अर्थ भी मीनिंग भी समझ में ना आए तो आप तब भी बता सकते हो कि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। देखिए जैसे कि हम पहला एग्जांपल पढ़ते हैं, ओ डैड, यहाँ पर ओ डैड मृत्यु को बुलाया गया, ए मृत्यु कम सून, जल्दी आओ। अब देखो ओ डैड कोई इंसान तो नहीं है कि आप उसको बुला रहे, यानी कि आप फिर भी आप संबोधित कर रहे हो कि हे मृत्यु आप जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक साइन लगा हुआ है, इस साइन को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन साइन यानी कि संबोधित करने वाला एक तरह का प्रतीक। अगर आपको लाइन में ये आपको ये सिंबल दिखाई देता है तो आप इजिली बता सकते हो कि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, ओ लिबर्टी, लिबर्टी स्वतंत्रता को बोलते हैं, आजादी को बोलते हैं, हे स्वतंत्रता, ओ स्वतंत्रता, वाई आर यू सो डियर, डियर का मतलब प्यारी, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। नेक्स्ट, ओ ग्रेव, ग्रेव किसको बोलते हैं,
गंभीर को बोलते हैं वेयर इज दाई विक्ट्री। देखो टी एच वाई दाई ये बहुत नया वर्ड है, शायद कि आप लोगों को शायद पता भी ना हो। टी एच वाई दाई यानी कि दाई तुम्हारे को ही बोलते हैं, तुमको ही बोलते हैं। जैसे आप यू का प्रयोग करते हैं, योर का प्रयोग करते हैं, तो कहीं कहीं पर अगर आपको टी एच वाई दाई का यूज दे तो वो भी तुम्हारा ही होगा। तो वो ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री की तुम्हारी विजय कहाँ है, यानी कि किसी गंभीर चीज को बुलाया जा रहा है, किसी सीरियस चीज को कहा जा रहा है कि तुम्हारी विजय तुम्हारी विक्ट्री कहाँ है। राइट अगला देखिए, आप बचपन से आपने बचपन में पोएम पढ़ी हुई उसी एक लाइन हमने लिखी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। लाइन का आप सभी को पता, और देखिए लास्ट में क्या लिखा, एक्सक्लेमेशन साइन। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी आपका एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच ही होगा। नेक्स्ट देखिए, ओ स्वीट कंटेंट। देखो कंटेंट का मतलब होता है सामग्री को बोलते हैं, पदार्थ को बोलते हैं, यानी कि जो कुछ आप लिखते हो उसका भी आप कंटेंट बोल सकते हो। हे प्रिय पदार्थ या हे प्रिय सामग्री, वेयर इज दाई, देखो फिर से दाई है तुम्हारा। MILD मिल्ड, मिल्ड का मतलब हल्का, अबोर्ड का मतलब होता है निवास, अबोर्ड का मतलब भी निवास होता है। तो पूरी लाइन का मतलब क्या होता है, हे प्रिय सामग्री तुम्हारा निवास स्थान, तुम्हारा हल्का जो निवास स्थान है वह कहाँ है। ओके गाइस नेक्स्ट देखिए, ओ हैवी लाइटनेस। लाइटनेस क्या होता है, हल्के को ही बोलते हैं। हे देखो क्या कहा जाए, हे भारी हल्केपन सीरियस वैनिटी। देखो लाइन का अगर आप पूरी लाइनों का अर्थ निकालेंगे तो कुछ अर्थ नहीं बनता, क्योंकि ये एक तरह की प्रोवर्ब से कहावतें हैं, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सीरियस गंभीर को ही बोलते हैं, वैनिटी बोलते हैं घमंड को। जैसे प्राउड होता है, एरेगेंट होता है, तो वही वैनिटी होता है कि वैनिटी का भी घमंड को बोलते हैं, यानी कि हे हल्की, हे हल्की लाइटनेस, हे हल्के, हे भारी हल्केपन, या गंभीर रूप से घमंड करो, किसी को कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ओ फ्रेंड, हे मित्र आई नो विच मे आई मस्ट लुक फॉर कम्फर्ट। देखो ओ फ्रेंड, हे मित्र आई नो, मैं जानता हूँ, नोट नहीं, देखो यहाँ पर आगे पीछे क्योंकि ये एज इट इज ऐसी होती है, कहावत ही है। आई नो मैं नहीं जानता, विच में आई मस्ट लुक कि मुझे कैसे देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, फॉर कम्फर्ट आराम के लिए। वो कहा जा रहा है कि हे मित्र मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे आराम के लिए क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये आपकी 11th क्लास की जो स्टूडेंट्स है उसमें एक पोयम है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, हमने वहीं से लिया है। ओ कैप्टन माई कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान, अवर फियरफुल, फियरफुल क्या होता है, फियरफुल डरावनी, डर से भरी हुई, ट्रिप ये बोलते हैं यात्रा को, इज डन, डन यानी कि पूरी हो गई। हे कप्तान मेरे कप्तान, हमारी जो डरावनी जो यात्रा थी वो पूरी हो गई है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने, ये तीन आज हमने सिमिल के बारे में एक बार फिर से रिपीट बताता हूँ कि सिमिल में क्या करते हैं। सिमिल में हम डिफरेंट काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी हम तुलना करते हैं, और स्पेशली आपको लाइक सो एज ये चीजें आपको देखने को मिलती है। फिर आपको एपोस्ट्रोफी हाइपरबोल में क्या होता है, हाइपरबोल में आप किसी बड़ी चीज को छोटा बना देते हो और छोटी चीज को बड़ा बना देते हो, और आप एपोस्ट्रोफी में आपको संबोधित करते हो, आप एक डेड पर्सन को, अब्सेंट को या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को आप इसमें आप संबोधित करते हो, और साथ ही साथ आपको ये एक्सक्लेमेशन के साइन भी देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर गाइस। आप लोग जब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं करोगे, कोई कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है और कैसे हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये आज हमारा क्लास 12 के लिए पहला लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज एक या दो बार वीडियो को देखोगे और नोटबुक में नोट करोगे तो आपको सभी कुछ ये तीनों की फिगर उसकी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ओके गाइज फिर मिलते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।